प्यार विच लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि वह अपने परिवार के नाल नाल कई बार तो देश की सरहद तक भी पार करन तक चले जाते हैं। अजिहा ही एक मामला सामने आया है अमृतसर विखे, जिथे राजस्थान तो आई एक महिला सरहद पार पाकिस्तान च रह रहे अपने प्रेमी को जान ले सब कुछ छड़ के आ गई, पर एक आटो चालक की होशियारी अते पुलिस वालों मौके पर की कार्रवाई करके उक्त महिला का बचाव हो गया। इस संबंधी गलबात करदे पुलिस अधिकारी रणजीत सिंह ने दसिया कि अगर टैक्सी चालक मौके पर पुलिस नूं ना दसदा तां इह महिला मुड़ कदे भी वापस नहीं सी आउणी। उन्हें दसिया कि उक्त महिला जो कि अपना नाम शिवानी दस रही है, यह राजस्थान की रहने वाली है, तो इसका एक बच्चा भी है, तो अपने घरों नकदी से जेवरात लेके अमृतसर पहुंची है। उन्हें कहा कि इस महिला मुताबक वह पाकिस्तान के रहने वाले एक नौजवान नाल प्यार करती है। उन्हें कहा कि जो उन्होंने सरहद पार उक्त नौजवान नाल इस मुद्दे बारे फोन पर गलबात करनी चाहिए तो उसने फोन कट दिता, जिस तों बाद उन्होंने उक्त महिला के परिवारक मैंबर इस बारे सूचित किया, तो उसके परिवारक मैंबर अमृतसर विखे आ रहे ने। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਗਰਾ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਸੈਟ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਚਾਹ ਪੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈ, ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ? ਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਬੇਟੀ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉੱਧਰ? ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਮ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ। उधर इस सारे मामले संबंधी राजस्थान तो आई महिला शिवानी ने दसाया कि वह लूडो गेम खेडन की शौकीन है, तो इसे ही गेम के जरिए ही उसका पाकिस्तान के रहने वाले नौजवान नाल राबता कायम होया सी। उसने कहा कि उक्त नौजवान ने उसे अटारी बार्डर राही गुरुद्वारा साहिब तक आने लिए कहा सी। कहाँ के रहने वाले हो आप? अमृतसर कहाँ, कैसे पहुँचे? आप कहाँ जाना चाहते थे? मैं यहीं पे आना चाहती थी। नहीं, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान जाना था आपने? तो यहाँ पे वो मुझे लेने आने वाला था। कौन सा बंदा था, कैसे बात हुई आपकी उनसे? यूट्यूब पे बात हुई थी। अच्छा जी, कितने चिर से आपसे वो बात कर रहे हैं, कितने समय से? 10-12 दिन हुआ। अच्छा जी, वो क्या कहते, पाकिस्तान क्यों लेके जाना चाहते थे आपको? तो मुझे नहीं पता। तो आपको यहाँ आके कोई उनका आदमी मिला है? जी नहीं। कब के आए हुए आप यहाँ पे? मैं सुबह से आई हूँ। अच्छा, फ़ोन पे क्या क्या वो कहते थे, क्या क्यों बुलाते थे आपको, कुछ कहा उन्होंने? वो कहा कि तुम यहाँ पे आ जाना गुरुद्वारे पे, मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा जी, तो बस वो फिर वो बात हो रही थी, ज़रा वो भैया थे लोग, तो उनसे बात किया था, तो वो कह रहा था कि हाँ बॉर्डर पे छोड़ दो। जब आप अमृतसर में आए उस बंदे से आपकी बात हुई पाकिस्तान में? जी हाँ, तो बोल रहा था बॉर्डर पे छोड़ दो वो ऑटो वाले भैया से। अच्छा जी, तो कहे ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, हम भी फंस जाएंगे, और पुलिस वाले लोगों से बात करना पड़ेगा, उसके बाद हम छोड़ सकते हैं।